राज्यसभा के 12 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। मानसून सत्र के दौरान हंगामे के चलते कार्रवाई की गई है। 11 अगस्त 2021 के मानसून सत्र के दौरान बदसलूकी हुई थी। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई निलंबित हुए हैं। टीएमसी की डोला सेन शांता छेत्री निलंबित की गई। सीपीआई और सीपीएम के एक एक सांसद सस्पेंड हुए हैं और कांग्रेस के 6 सांसद भी शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किए गए हैं। और संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाली द फॉर्म लॉ रिपील बिल 2021 संसद से बिना चर्चा के पास हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बिल को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पेश किया, जहां विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा की मांग की, लेकिन दोनों ही सदनों में ये बिल हंगामे के बीच ध्वनि मत से पास हो गया। तो लोकसभा और राज्यसभा से कृषि कानून का जो वापसी का बिल तो पास हो गया है, दोनों सदनों में हंगामे के बीच बिना चर्चा के ध्वनि मत से पास हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और इंट्रोड्यूस हो रहा है करार विधेयक 2020 और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधायक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। 1 साल 3 महीने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने बिल को वापिस लिया। सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाय इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। स्टेट में चुनाव है, इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि भाई ये बाय इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। तब उनको आया नहीं, आपको सर 700 लोग बॉर्डर पे मर चुके हैं।